हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपका पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड ऐप जो है, प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे क्लाउड्स ऐप आते हैं, क्लाउड्स ऐप जो है स्टोरेज होते हैं, ठीक है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ना फालतू का डेटा हटा देंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप तीसरे तरीके से, यानी कि आप अपने फ़ोन से फालतू का डेटा हटा के कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं ना, इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी ऐप को आप उंगली से दबा के रखिए तो एक पेज ओपन होता है छोटा सा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, उसे टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले से क्लियर कैच पर टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पर टैप करना है, तो नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। और यहाँ पर आपको एक काम और करना है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को आप अपने फ़ोन से हटा दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में सारे के सारे जो ऐप्स होते हैं मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो आपके फ़ोन का जो स्टोरेज होता है वो कवर करते हैं। तो अगर आप फालतू के ऐप्स को अगर अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देंगे, तो आपके फ़ोन का स्टोरेज जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन करना है। फ़ोन की गैलरी में से आप जो है ना अपनी फालतू की फ़ोटो, वीडियो, जितना भी फालतू का डेटा आपके फोन की गैलरी के अंदर, वो आपको परमानेंट डिलीट कर देना है, ठीक है। इससे आपके फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपके मोबाइल फोन के लगभग ना बहुत सारे ऐप्स में बैकअप की सेटिंग होती है, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपकी बैकअप की सेटिंग है, उसे आपको बंद कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं अपना फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है, एक ये पेज ओपन होता है, इसमें देखिए बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है, तो बैकअप की सेटिंग अगर आपकी चालू है तो इसे बंद कर देना है। तो सारे जिस ऐप में बैकअप की सेटिंग है, सभी ऐप्स में बैकअप की सेटिंग बंद कर देनी है। अब आपको मोबाइल फोन की सेटिंग का बैकअप आपको बंद करना है। ये तो ऐप्स के बैकअप की सेटिंग मैंने बंद करने का तरीका बताया था, अब आपको मोबाइल फोन की सेटिंग का बैकअप बंद कैसे करना है। मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको बैकअप एंड रीस्टोर पे टैप करना है, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक रीस्टोर के सामने वाला बटन अगर चालू है तो इसे बंद कर देना है, ठीक है। अगर ये चालू रहते हैं ना, तो हमारे फोन का स्टोरेज जो है भरता रहता है अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये बंद कर देंगे तो आपके फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। अगर जरूरत पड़ती है तभी आपको रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। कैसे करेंगे रीसेट, इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, तो आपका मोबाइल फोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी काम का डेटा है, सिर्फ जरूरत का आपका जो डेटा है, वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले तो ट्रांसफर कर लेना है, और फालतू का डेटा ऐसे ही फोन में छोड़ देना, और रीसेट करने से डिलीट हो जाएगा सारा डेटा फालतू का, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए, सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, तो आपके फोन के स्टोरेज जो है ना वो बढ़ जाएगा।